बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैन वी स्टार्ट नाउ? यस सर। अ लिटिल बिट ऑफ फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। Resultant force, resultant moment acting at O, if it is resolved in two component Fr, it becomes N and V can be positive or N and V can be negative. Similarly, MrO resolved in two component, it becomes T and M. M is bending moment, T is torsion, so both can be positive or negative as well. अब equilibrium condition के लिए हमने एक assumption की है, वो ये है, coplanar forces अगर होंगी तो कितनी इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन चाहिए होंगी? कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? तीन सर। तीन इक्वेशन सर चाहिए होंगी। तीन इक्वेशन चाहिए होंगी और बाकी तीन जो है, दो मोमेंट और एक फोर्स जो है वो नेगलेक्ट हो जाएंगी। और इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का? सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू ड्रा दी फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। और फिर उसको अननोन के लिए सॉल्व कर लेंगे। जितने अननोन होंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एम ओ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास से था, अब प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाए। Determine the resultant internal loading. Acting on the cross section at C of the cantilevered beam. Cantilever beam वो है जो एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं है। अब ये जो ग्रे है जिसको मैं येलो करने लगा हूं, ये क्या है? ये फिक्स एंड है और ये बीम है और ये सपोर्ट है। और लोड किस किस्म का है? सरफेस लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इधर मैक्सिमम है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या है? मिनिमम और मिनिमम जीरो है। मिनिमम क्या है? जीरो 300 न्यूटन मीटर मैक्सिमम, बी पे जीरो और ये 1.2 मीटर और ये 2.4 मीटर। पर हमने फाइंड क्या करना है, एट सी सेक्शन इंटरनल लोडिंग फाइंड करनी। सबसे पहले हम इसको सपोर्ट रिएक्शन एट ए
देखेंगे कि ये फिक्स पोर्ट है तो इसके तीन रिएक्शन होंगे, एक अपवर्ड, एक इस तरफ और एक मोमेंट। तो अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम इसको दो सेगमेंट में करें तो इधर इक्वेशन ज़्यादा हो जाएंगी, इधर कम हो जाएंगी, तो इसलिए हमने सी बी कंसीडर कर लिया, ये वाला सेक्शन सी बी। क्लियर हो गया? सी बी कंसीडर कर लिया। अब सी बी के लिए एक नॉर्मल इधर, एक शीयर अपवर्ड और एक मोमेंट इधर एक्ट कर रही है। जो लोड एक्ट कर रहा है वो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन से हमने फाइंड करना है। लोड एट सी इज फाइंड बाय लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। वो क्या है? डब्ल्यू ओवर 2.4 इज इक्वल टू 300 ओवर 3.6। तो इन दोनों की जो रेशियो है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन से, ये W आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है? एट C, 200 न्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गया ये कैसे आया है? यस सर। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन से कि दो ट्राइंगल हैं, एक 300 वाली है और एक छोटी ट्राइंगल है, दोनों की साइड्स को कंपेयर कर दिया और W ओवर 2.4 ये रेशो ले ली इज इक्वल टू 300 ओवर 3.6 करस्पॉन्डिंग रेशो W के लिए सॉल्व कर लिया, तो ये W आ गया 200 न्यूटन पर मीटर। ये किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है? सी पॉइंट पे। अब ये लोड कौन सा है 200 न्यूटन पर मीटर? कंसंट्रेटेड है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसको किससे रिप्लेस करना है हमने? कंसंट्रेटेड लोड से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? एरिया अंडर दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल डॉटेड शो की गई है 2.4, ये साइड 200 और 1/2, हाफ वर्टिकल इनटू बेस, तो ये आ गया 240 न्यूटन। 240 न्यूटन कैसे आया पता चल गया? इज इट क्लियर? जी 240 न्यूटन कैसे आया है? क्लियर हो गया? यस सर, इसकी लोकेशन बता दें जो 1.6 एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, हाफ 1/2, ये वाला ये हाइट है, ये बेस है 2.4, अब इसको किस जगह पे लगाना है उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? सेंट्रॉइड। और ये काम पे एक्ट करेगा 1/3 इंटू 2.4, तो ये आ गया 0.8 फ्रॉम सी, तो ये आ गया 0.8 फ्रॉम सी। क्लियर हो गया?
फ्री बॉडी डायग्राम कैसे कंप्लीट हुई है, हाफ प्रोपोर्शन से लोड W फाइंड किया, फिर ट्रायंगल का एरिया जो है वो निकाला, कंसंट्रेटेड फोर्स आ गई, कंसंट्रेटेड फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, वो 0.8 पे। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगा देंगे, एफएक्स क्या है, नॉर्मल फोर्स एन सी, और ये लेफ्ट एक्ट कर रही है माइनस, और इस तरफ कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो एन सी इज इक्वल टू 0। एन सी क्या आ गया, 0 आ गया। एफ वाई साथ कन्वेंशन भी दिया हुआ है, पॉजिटिव अपवर्ड है। वी सी माइनस 240, वी सी आ गया 240 न्यूटन। एम सी माइनस एम सी, क्लाक एंटी क्लाक वाइज पॉजिटिव है, माइनस 240 इंटू 0.8 न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया? तो ये मोमेंट्स का एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। क्लियर है? तो ये मोमेंट्स का एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये जो माइनस एम सी लिखा हुआ, ये वाला। यस सर, ये कन्वेंशन देखा है हमने, ये कन्वेंशन देखें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव। तो ये किस तरफ है, बी में क्लॉकवाइज लग रही, बी डायग्राम में ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगी, और जो इससे मोमेंट जनरेट हो रही है 240 इनटू 0.8 वो क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो दोनों नेगेटिव आ गए। क्लियर है? यस सर, आगे मूव कर सकते हैं। यस, किलोग्राम इंजन इज सस्पेंडेड फ्रॉम द क्रेन बूम इन फिगर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बूम एट पॉइंट ई। ई पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करना है। सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन करेंगे, सेगमेंट ए ई, सो वी मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द पिन रिएक्शन एट ए। तो पिन है तो इसके दो रिएक्शन है, एक ए एक्स है और एक ए वाई है। ये केबल के तौर पे एक्ट कर रहा है, सी डी जो है, तो इसका एक ही रिएक्शन है, फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गई। पॉजिटिव एम ए, ये फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा 3/5 इंटू 2 माइनस 500 इंटू 3। मोमेंट आ गई, एफ सी डी निकाल लिया इसे, फिर सिग्मा एफ एक्स ले लिया, उसे ए एक्स निकाल लिया, ए वाई निकाल लिया। जब ये निकल आया सपोर्ट रिएक्शन, तो फिर हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा की, किस सेगमेंट की, ए ई की, क्योंकि ई हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ए ई की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा की, तो ये सी फिगर आ गई। अब ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज मालूम है,
एनी वीई और एम ई ये हमने फाइंड करनी है. इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई की, एनी ये आ गया, सिग्मा एफ वाई बी ई ये आ गया, एम ई ये आ गया. क्लियर है? ई के ऊपर जो लोडिंग लग रही है वो नॉर्मल फोर्स कंप्रेसिव शीयर फोर्स नेगेटिव और क्लॉकवाइज मोमेंट इतनी लग रही है. क्लियर है जी? यस सर. वो प्लेनर फोर्सेस हैं तो तीन ही हमें इक्वेशंस चाहिए, तीन ही अननोन है. वेरी इजी. इसी तरह ये है इंटरनल लोडिंग एक्टिंग ऑन क्रॉस सेक्शन एट जी ऑफ द बीम. ये जी पॉइंट है. फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर ली. सपोर्ट रिएक्शन ले लिए. इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दी तो ये एन आ गया, वी जी आ गया और एम जी आ गया. तो तीन अननोन, तीन इक्वेशंस, सॉल्यूशन. क्लियर है? तो ये सारी एग्जांपल्स आपने करनी है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे which is stress. Stress. अभी इसको आगे मूव करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एरिया है ये जो प्लेन का एरिया है ये कितने पॉइंट से बना हुआ है. कितने पॉइंट से मिलके बना हुआ है? इनफिनाइट पॉइंट से. और ये एफ आर का मतलब क्या है कि ये जो लोड इस पे लग रहा था एरिए के ऊपर वो क्या था एक्चुअली? एक्चुअली क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एरिया था. उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एफ आर से जो कि वो पॉइंट है इसका सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा है और एम आर ओ लग गया. अब अगर हर पॉइंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया को वेरी स्मॉल करना पड़ेगा, पॉइंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमने क्या किया है?
area to be subdivided into small areas such as delta A. Delta A. तो ये है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स हैं और एक जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, एक उसका पॉइंट हमने स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, उसका नाम क्या रख दिया, डेल्टा ए। इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा ए इतना छोटा है कि एरिया बिकम्स टू अ पॉइंट, एरिया टेंड टू बिकम अ पॉइंट। और इसके ऊपर जो लोड लग रहा है इसका क्या नाम रखा हमने, डेल्टा एफ। अब इसको कोऑर्डिनेट कार्टेशियन के अंदर हमने इन्वॉल्व कर लिया, एक्स वाई जी, पर ये एरिया जो डार्क ब्लू नज़र आ रहा है, ये छोटा एरिया उन्होंने शो किया हुआ है, एक्चुअली ये क्या है, डेल्टा ए एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट है या तकरीबन। अब इसको बड़ा व्यू करके इधर रिजॉल्व कर दिया, डेल्टा एफ को रिजॉल्व किया, एक्स के लांग आया तो क्या बन गया, डेल्टा एफ एक्स, वाई के लांग आया तो डेल्टा एफ वाई, और जी के लांग आया तो डेल्टा एफ जी। डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एफ वाई, डेल्टा एफ जी। अब इनमें डेल्टा एफ जी जो है ये क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, और डेल्टा एफ एक्स और डेल्टा एफ वाई की क्या है, टेंजेंशियल। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है और दो टेंजेंशियल फोर्स लग रही हैं। जब हम थ्री डायमेंशन के अंदर कंसीडर करते हैं, एक्स वाई जी एक्सिस के अंदर कंसीडर करते हैं, क्लियर हो गया। एक डायरेक्शन के अंदर नॉर्मल फोर्स और दो डायरेक्शन के अंदर क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। अब ये देखें, ये पॉइंट ये जो एरो लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग हुई हुई है, इनके एरोज का मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है, एरोज का मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। क्या मतलब समझ में आता है इसका डिफरेंट होने से, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लोडिंग हो रही है, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट लोडिंग लगी हुई है, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब अगर मटेरियल जो एक पॉइंट है उसकी प्रॉपर्टी और दूसरे पॉइंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, तो मटेरियल का ओवरऑल रिस्पांस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए दो अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन ये है कि मटेरियल इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये है, ये इस वक्त जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस टू कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर हैविंग नो वॉइड्स, इसके अंदर कोई गैप्स नहीं है। और दूसरी अजम्पशन है कोहेसिव,
all portions of it are connected together without having breaks, cracks or separations. तो ये दो assumption करेंगे तो फिर सारे points जो हैं जिनके ऊपर ये load लग रहा है उनका behavior क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. और अगर कोई वाइड होगा, कोई क्रैक होगा, तो फिर बिहेवियर जो है वाइड का और होगा और क्रैक का. तो हमने ये अज्यूम किया है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सारे का सारा फ्री ऑफ वाइड एंड फ्री ऑफ क्रैक है, इसलिए इनका बिहेवियर क्या है, सेम है. एक पॉइंट के ऊपर थ्री एक्सिस के अंदर अगर कंसीडर करें, एक नॉर्मल फोर्स और दो टेंजेंशियल फोर्सेस एक्ट करती हैं. एक नॉर्मल फोर्स और दो टेंजेंशियल फोर्सेस. इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे. और उसको डिनोट किससे करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस को? सिग्मा से. और जब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, सिग्मा जी डेल्टा एफ जी ओवर डेल्टा ए लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो. अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि इसके अंदर ना कोई वॉइड है ना कोई क्रैक है. इतना छोटा एरिया कंसीडर किया है कि वो वॉइड फ्री है और क्रैक फ्री है. मैथमेटिकली स्ट्रेस क्या हुआ? फोर्स ओवर एरिया. एरिया एंड if it is pull then it is called as tensile stress, and if it is push then it is called as compressive stress. Compressive. lobby mein students wait kar rahe hain agar unko ji to students kuch class mein nahi wo wait kar rahe hain wo keh rahe hain sir se keh rahe hain enter kar dein class mein. Similarly, we have tangential force acting over tangential area, shear stress, and it is represented by tau. Tau. So tau zx. Again, limit approaches to zero. Fx over delta A, Fy over delta A. दो शीयर स्ट्रेस. अब पहला सबस्क्रिप्ट जो है क्या शो कर रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया एंड एक्स एंड वाई इंडिकेट द एक्सिस अलोंग विद शीयर स्ट्रेस एक्ट्स. Orientation of the area and axis along which the each shear stress acts. So either orientation normal है और ये tangential है. तो इसका मतलब ये है कि at any point one normal and two shear stress acts
क्लियर हो गया? यस सर। अब दोबारा फिगर की तरफ चलें। अब इसके ये एक और सेक्शन पास कर दिया, इधर भी डिफरेंट एरोज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है इस सेक्शन के ऊपर। ये डार्क जो है ये एरिया कंसीडर कर लिया, इसके नॉर्मल जे होगा और टेंजेंशियल ये होगा। फिर एक और सेक्शन इधर पास कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग लगी हुई है, नॉर्मल ये होगा और टेंजेंशियल ये होगा। इसको हमने कहा जी जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और वो रिप्रेजेंट कर दिया इससे। तो इसको अगर देखें एक्स वाई जी सिग्मा एक्स और दो शियर स्ट्रेस, सिग्मा वाई दो शियर स्ट्रेस, सिग्मा जी दो शियर स्ट्रेस। तो इसका क्या नाम रखा हमने, जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का क्या मतलब है कि एट एनी चूजिंग पॉइंट इन 3D कितने नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करते हैं और कितने शियर स्ट्रेस एक्ट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। तीन नॉर्मल और छह टेंजेंशियल, इसको कहते हैं स्ट्रेस टेंसर। क्या कहते हैं? स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर। अब इसके यूनिट्स देखने हैं, नॉर्मल और शियर का तो हमने देख लिया कि नॉर्मल क्या करता है, शियर क्या करता है। यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका दूसरा नाम क्या है, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या नाम दिया, वन पास्कल। पास्कल इसका दूसरा नाम क्या है, वन। अब मेगा पास्कल क्या है, 10^6, और गीगा पास्कल क्या है, 10^9। तो स्ट्रेस के यूनिट्स क्या है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, पास्कल। आप जरा इस फिगर को देखें, सिग्मा एक्स क्या कर रहा है, सिग्मा एक्स क्या कर रहा है, नहीं सिग्मा एक्स का इफेक्ट क्या है, सिग्मा एक्स किस तरह का स्ट्रेस है हमने देखा है, टेंसाइल सर, टेंसाइल है तो क्या करेगा, क्या करेगा इस क्यूब को, पुल करेगा या पुश करेगा सर? नहीं एरो के हिसाब से बताएं ना एग्जैक्टली, एरो अवे है तो क्या करेगा, पुल करेगा सर, पुल करेगा तो ये एक्स डायरेक्शन जो है ये आगे आ जाएगी। सिग्मा वाई क्या करेगा,
वो भी पुल करेगा सर। वो भी पुल करेगा। और सिग्मा जी क्या करेगा? वो भी पुल करेगा। अब एक्स और वाई और जी अगर बढ़ जाएं तो क्या होगा? क्यूब का वॉल्यूम बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। इस चीज को हमने नाम दिया है डिफॉर्मेशन, चेंज इन वॉल्यूम एज ए रिजल्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस जब एक्ट करता है किसी कंपोनेंट के ऊपर, तो उसको क्या नाम दिया हमने? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। अब टा एक्स वाई ये है, टा एक्स वाई ये है और टा वाई एक्स ये है। अगर टा एक्स वाई और टा वाई एक्स इक्वल ना हो तो फिर क्या होगा? स्लाइडिंग हो जाएगी। यस सर। टा एक्स वाई अगर बड़ा है तो वाई फेस स्लाइड हो जाएगा या एक्स वे स्लाइड हो जाएगा? तो उसको क्या कहेंगे जब स्लाइडिंग होगी? उसका नाम रखा हुआ है चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। तो जो डिफॉर्मेशन है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर, उसका मतलब है आइदर चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन शेप और बोथ। क्या मतलब है डिफॉर्मेशन का? चेंज इन शेप, आइदर शेप, आइदर चेंज इन शेप और वॉल्यूम और बोथ। वॉल्यूम कैन चेंज, शेप कैन चेंज और बोथ कैन चेंज। इन इस सिचुएशन को हमने क्या नाम दिया है? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। अगर ये रिजिड बॉडी हो तो फिर क्या होगा? रिजिड बॉडी अगर होगी तो फिर क्या होगा? फिर ये शेप चेंज नहीं होगी, फिर इसका फोर्स एनालिसिस सिर्फ करना पड़ेगा, स्ट्रेस एनालिसिस नहीं होगा, नहीं जरूरत हो। तो स्टैटिक्स और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर जो फर्क है वो यही है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के अंदर जब फोर्स एक्ट करती है तो बॉडी डिफॉर्म होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? आइदर चेंज इन शेप और चेंज इन वॉल्यूम और बोथ। चेंज इन शेप कैसे होती है और चेंज इन वॉल्यूम कैसे होता है? चेंज इन वॉल्यूम कैसे हो रहा है? नॉर्मल की वजह से। और चेंज इन शेप कैसे हो रही है? शीयर स्ट्रेस की वजह से। शीयर स्ट्रेस। क्लियर हो गया? यस सर। एक दफा दोबारा मैं करता हूं। स्ट्रेस अब आपको क्लियर है कि स्ट्रेस का मतलब क्या है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस का मतलब क्या है? फोर्स ओवर एरिया। एरिया। फोर्स ओवर वॉल्यूम।
एरिया। अब रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वो वाला पॉइंट लेना पड़ेगा जो इस एरिया के ऊपर तारों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। टू अजम्पशंस बनाई हैं आपने प्रॉपर्टी सेम करने के लिए, कितनी अजम्पशंस हैं? टू। पहली अजम्पशन क्या है, मटेरियल इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि देर इज नो वॉइड। दूसरी अजम्पशन क्या है, मटेरियल इज कोहेसिव, इसका मतलब ये है कि देर इज नो क्रैक। अब जब ये हो जाएंगी तो सारी की सारी जो प्लेन है, सारे का सारा जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम हो जाएंगी। और अगर ये नहीं होगा तो फिर प्रॉपर्टीज जहाँ पे वाइड होगा वहाँ पे डिफरेंट होंगी, और जहाँ पे क्रैक होगा वहाँ पे भी डिफरेंट होंगी। तो आप इसको स्मॉल एरिया पॉइंट कंसीडर कर लिया, उसका नाम रख दिया डेल्टा ए, और उसके ऊपर जो फोर्स रख दिया उसको डेल्टा एफ। डेल्टा एफ को डिवाइड कर दिया एक्स वाई जी के पैरेलल, तो डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एफ वाई, डेल्टा एफ जी। डेल्टा एफ जी जो है परपेंडिकुलर, और डेल्टा एफ एक्स और डेल्टा एफ वाई जो है ये टेंजेंशियल है। परपेंडिकुलर का इफेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है और टेंजेंशियल का इफेक्ट शीयर स्ट्रेस है। ये पुल कर रहा है और ये स्लाइडिंग कर रही है दो। अब अगर दूसरी प्लेन पास कर दें तो सिग्मा वाई आ जाएगा, दो शीयर स्ट्रेस आ जाएंगे। तीसरी प्लेन पास कर दें तो सिग्मा एक्स आ जाएगा और दो शीयर स्ट्रेस आ जाएंगे। इसको कहते हैं जी जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट तीन नॉर्मल और छह शीयर स्ट्रेस एक्ट करते हैं। इसका दूसरा नाम है स्ट्रेस टेंसर। नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, पर इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है, लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू पी जीरो डेल्टा एफ जी ओवर डेल्टा ए। अगर ये पुल है तो टेंसाइल है, अगर पुश है तो कंप्रेसिव है। और टेंजेंशियल जो है उसको शीयर स्ट्रेस टॉ है। पहला सबस्क्रिप्ट जो है ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया, और दूसरा सबस्क्रिप्ट जो है एक्सिस अलोंग विच शीयर स्ट्रेस एक्ट्स। तो शीयर स्ट्रेस किस एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है, यूनिट्स इसके देख लिए हमने, पास्कल है, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क प्लीज फील फ्री। सर ये फिगर 1.10 में सर ये नेमिंग कैसे दी है जी, दोबारा पूछें जरा क्लियर करके लाउडली। सर फिगर 1.10 में ये नेमिंग कैसे दी है सर, ये स्ट्रेस ये वाली? जी सर, जी एक्स जी वाई एन, ये तीन एक्सिस आ गए ना, ये पीछे हमने लिए हैं एक्स वाई जी। जी ये सर, ये रिजॉल्व किया है इसको एक्स वाई जी,
ये जो एफ जी है इसको डेल्टा ए पे डिवाइड कर दिया तो सिग्मा जी आ गया, और एफ एक्स को डेल्टा ए पे डिवाइड किया इस डेफिनेशन के मुताबिक 1.5 के अंदर जो है, तो टा जी एक्स आ गया, और एफ वाई को डेल्टा ए पे डिवाइड किया इस डेफिनेशन के मुताबिक तो टा जी वाई आ गया। ये दो टेंजेंशियल हैं इसलिए टा नाम रख दिया, और ये नॉर्मल है इसलिए सिग्मा नाम रख दिया। ओके सर, थैंक यू। क्लियर है जी? जी सर। क्लियर है? यस सर। और कोई पूछना हो तो पूछें। Yes, sir. In figure 1 and 1.11. How 1.11 pe jaye? Yes, sir. How did you know it's a deformation happened? Sorry? How did you know that deformation happened? You said deformation will happen when there will be no equilibrium. And in this case, how did you know there is not under equilibrium? Then no deformation will take place. It means the external loading is equal or less than the internal resultant loading. If the external loading is greater than the internal loading, then deformation will take place. So there are three possibilities. One, they are equal, internal and resultant external loading. Second thing is internal loading is less than, and third thing is internal loading is greater than. When it is less than external loading, then deformation will take place. In two other cases, deformation will not take place. And that is the principle for design of the component. We do the designing so that deformation does not take place permanently in the member. The loading and cross sections are chosen so that no deformation take place. And member, structural or machine, whatever the situation is, remain in equilibrium. Is it clear? Yes, sir. Thank you. If you have other question, please feel free to ask. Any other question? Yes, sir. In the same figure, 1.11. Yeah. How sigma changed from shear force to normal force in different points? This area, this face is along x-axis. This force is acting in. So this area divided by the force acting is sigma f x. This area divided by the force is sigma y. Force divided by this area is sigma z. We are not going into the detail for the time being that what is this area and what is this force, whether they are same or whether they are different. We are trying to understand what happens in x direction, what happens in y direction, what happens in z direction. Okay, sir, thank you. How the deformation can take place when the external forces are higher than the resultant force. Either the change in shape will take place, either the change in volume will take place if the equilibrium is not there. Is it clear?
Yes, sir. Thank you. Any other question? Sir, why don't slide when tau yx and tau xy are equal? Sorry, say again. Sir, why? Sir, why it don't slide over each other, surface don't slide when tau xy and tau yx are equal to each other? Cancel ho jayenge na? ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वर्ड की स्क्रीन है नजर आ रही है? नो सर, नो सर, ये फ्रंट व्यू है। एक क्यूब का ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। दिस एक्सिस इज वाई एंड दिस एक्सिस इज एक्स। अब x axis is fixed, y is sliding, ये जो view दूसरा जिसको मैंने highlight किया हुआ, अब अगर टा एक्स वाई और टा वाई एक्स इक्वल है तो फिर ये sliding होगी कि नहीं होगी? If both are equal then there will be sliding. No sliding. But if tau xy is greater than tau yx, then the sliding will be in this direction. If tau yx is greater than tau xy, then sliding will be in this direction. Ye is taraf aa jayega. तो जो स्लाइडिंग को प्रिवेंट करना है हमने, इफ वी वांट टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग एज शोन इन दिस फिगर, टा एक्स वाई एंड टा वाई एक्स शुड बी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल नहीं होगा फिर क्या होगा? क्यूब जो है वो क्यूब वॉइड हो जाएगा, क्यूब विल बिकम, इट विल नॉट मेंटेन इट्स शेप, इट विल बिकम एज अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, दैट इज चेंज इन शेप। So shear stress produces change in shape and normal stress produces change in volume. Clear ho gaya? And both together we call as a deformation. Any other question? लाउडली प्लीज से, लाउडली आई कांट गेट योर वॉइस, प्लीज से लाउडली। टा एक्स वाई और टा वाई एक्स का पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? देखे ना, दो शीयर स्ट्रेस हैं, एक कॉर्नर की तरफ,
अगर ये कॉर्नर है, इफ वी कंसीडर दिस कॉर्नर, तो ये इससे टुवर्ड्स दो हैं, ये कॉर्नर लेंगे तो इसके अवे टू हैं ये कॉर्नर. तो ऑलवेज शियर स्ट्रेस एक्ट इन कम्बिनेशन इन पेयर दे कॉल एज कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस. तो आइदर दे आर एक्टिंग टुवर्ड्स अ कॉर्नर और दे आर एक्टिंग अवे फ्रॉम अ कॉर्नर. But that's little bit advanced concept. First you need to understand the basic concepts. What is shear stress or what it produces? What is the effect of shear stress? How it is donated? First subscript is meaning. Second subscript meaning, we need to make it clear before we go for advanced concepts. Any other question? Can we move onward? If no question, yes, sir. Now, if we consider this figure A, there is a bar which is prismatic. And it is under the action of what type of load is this? Tensile stress. It is tensile load. So there are two assumptions. First assumption is material is homogeneous, and the second is it is isotropic. In the previous slides, what we have called as no void and no crack. It is technical term which is used for this is cohesive and continuous. Homogeneous and isotropic. If the material is different, non-homogeneous and anisotropic, then this treatment is not applicable. The mathematics and the mechanics is different for those materials. In mechanics of material 1, 2 and 3 in undergraduate, this homogeneous and isotropic assumption will be always there. Homogeneous ka matlab ye hai ki sare ke sare volume ke andar same properties hain. And isotropic is, it is independent of the orientation. It has the same physical and mechanical properties throughout this volume. And it has same properties in all the direction x, y, z. That is isotropic. So basic assumption in the mechanics of material 1 for material consideration is material is homogeneous and isotropic. So an isotropic material is which has directional properties, and example is wood. Axially loaded bar. The bar is loaded along the axis. So in order to see the behavior, we draw the grid lines along the circle and along the axial direction.
and when it undergoes the deformation, we can see that towards the end the deformation is not uniform and there is a region of uniform deformation of the bar. So this is meaning is only change in volume is taking place, no change in shape is taking place in the central portion, and here both change in volume and change in shape is taking place. Region of uniform deformation mean where the shape does not change, only the volume is taking place. So average force acting on this cross-sectional area, if we take the summation of this force and then we have to do the integration divided spread over all the area. So N is equal to sigma over A after integration, and sigma is equal to N over A. So sigma is average normal stress and N is internal resultant normal force. A is cross-sectional area of the bar where sigma is determined. Is it clear? Clear hai ye? Yes sir. Ab equilibrium ke liye humne equilibrium ki conditions laga di, and the net result we get is this type of situation is called as uniaxial stress, stress in single direction. क्योंकि ये जो बार है इसकी एक डायरेक्शन जो है दूसरी डायरेक्शन से बहुत बड़ी है, डायामीटर कम है और लेंथ ज़्यादा है, तो इसके लिए यूनिएक्सियल की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है और ये इस तरीके से ये टॉपिक भी कंप्लीट हो. जी पूछें. दोबारा पूछें जरा लाउडली. प्रिज्मेटिक बार, ये प्रिज्मेटिक बार की डेफिनेशन ये है कि जिसकी जो डिफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म हो. तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट है और सर्कुलर लाइन सर्कल हैं, इनके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं है, तो फिर उसको प्रिज्मेटिक बार कहते हैं. अगर डिस्टॉर्शन आ जाए तो फिर उसको प्रिज्मेटिक बार नहीं कहते. इसीलिए ये दरमियान जो है इसको कंसीडर किया हमने, अपर और लोअर पोर्शन को नहीं कंसीडर किया, और इसको एज ए होल टू सिंपलीफाई दी एनालिसिस. अगर डिस्टॉर्शन आ जाएगी, चेंज इन शेप आ जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगी, तो फिर इसका एनालिसिस डिफरेंट हो जाएगा. फिर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर शीयर भी आ जाएगा. तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने ये किया है, और इसका डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जो सम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो ले लिया, और इसको इंटीग्रेट कर लिया ओवर द एंटायर एरिया. जब फोर्स को इंटीग्रेट किया ओवर द एंटायर एरिया तो एन आ गया, जब सिग्मा डी ए को किया तो सिग्मा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. डी ए को किया तो ए आ गया, और सिग्मा इज इक्वल टू एन ओवर ए. क्लियर हो गया? जी सर. अगर नहीं क्लियर तो पूछ सकते हैं. If it is not clear, please feel free to ask.
क्लियर है? तो अब प्रिज्मेटिक बार के अंदर जो सिग्मा है एन ओवर ए, एन जो है रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स है और ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पर सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो एक प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। The bar in figure has a constant width of 35 mm and a thickness of 10 mm. तो एक रेक्टेंगल बनी हुई है 35 है और ये 10 है। Determine maximum average normal stress. ट्वेल्व किलो न्यूटन, पहले इधर से सेक्शन लिया तो 12 किलो न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम के लिए इधर कितना एक्ट करेगा? ए और बी के दरमियान में सेक्शन लिया तो 12 किलो न्यूटन लेफ्ट वर्ड एक्ट कर रहा है, तो राइट वर्ड कितना एक्ट करेगा? सो दैट दिस सेक्शन रिमेंस इन इक्विलिब्रियम, 12 किलो न्यूटन इन राइटवर्ड डायरेक्शन एक्ट करेगा। ठीक हो गया। अब इधर दो बी और सी के दरमियान में सेक्शन लिया 12 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन, तो ये 30 किलो न्यूटन लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा है, तो राइटवर्ड कितना एक्ट करेगा? एन बी सी कितना हो जाएगा? एन बी सी कितना हो जाएगा? 30 किलो न्यूटन। अब सी और डी के दरमियान में सेक्शन लिया 12, 9, 9, 4, 4, ये 22 आ गया इस सेक्शन पे, अब एरिया पे डिवाइड कर दिया, 30 मैक्सिमम फोर्स आई है, 30 को 35 इंटू 10 मिलीमीटर पे डिवाइड किया तो ये सिग्मा बी सी 85.7 आ गया। तो बी सी जो सेक्शन है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस इसके अंदर एक्ट कर रहा है और वो 85.7 मेगा। क्लियर है? रिपीट कर दीजिएगा जी, दोबारा करें। जी सर। ए बी सी डी ये डायग्राम है, 35 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर जो है इसका क्रॉस सेक्शन है। पहला सेक्शन इधर ए और बी के दरमियान में पास किया तो ये आ गया जिधर इस वक्त कर्सर है, 12 किलो न्यूटन लेफ्ट वर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको एक्ट कितना एन ए बी कितना आना चाहिए? और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? राइट साइड। ये क्लियर हो गया। अब बी और सी के दरमियान में सेक्शन पास किया, 12 इधर, 9, 9 इधर, 9 + 9 = 18 + 12 = 30, तो इधर क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए एन बी सी? इधर भी 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? राइट राइट सर। ये क्लियर हो गया। अब सी और डी के दरमियान में सेक्शन पास किया, ये 30 था माइनस 8 अपोजिट डायरेक्शन में है,
बाकी क्या बचा 22 किस डायरेक्शन में आना चाहिए, राइटवर्ड डायरेक्शन में जी। ठीक हो गया। अब एक 12 किलो न्यूटन है, 30 किलो न्यूटन है, 22 किलो न्यूटन है, मैक्सिमम क्या है? 30 किलो न्यूटन। तो हमने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम को इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिवाइड कर देंगे। सिग्मा इज इक्वल टू एन ओवर ए। ए क्या है, 35 × 10, इनको मीटर बना लिया, 30 किलो न्यूटन, 30 × 10³, तो ये आ गया 85.7 मेगापास्कल। क्लियर है जी सर? आगे जा सकते हैं कि यही दोबारा करना है? जी जी सर, थैंक यू। अब ये देखें ए बी सी, और ये 3, 4, 5 है और ये 60 डिग्री है। लैंप इज सपोर्टेड बाय टू रॉड ए बी एंड बी सी एज शोन इन फिगर। इफ ए बी हैज ए डायमीटर ऑफ 10 मिलीमीटर एंड बी सी हैज ए डायमीटर ऑफ 8 मिलीमीटर, डिटरमाइन एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस ईच रॉड। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर ली, ये एफ बी ए आ गया, ये एफ बी सी आ गया। अब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल किया तो ये एफ बी सी 4/5 माइनस एफ बी ए दिस, वर्टिकल किया तो ये आ गया एफ बी ए 6632 और ये 930। अब इनको एरिया पे डिवाइड कर दिया तो मैक्सिमम आ गया 5/4 d² 5/4 d² तो ये इधर इतना स्ट्रेस आया, इधर इतना आया। ज़्यादा किस में है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया? क्या है तो इसलिए उसको ज़रा ज़्यादा रखा हुआ है ताकि वो ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर। क्लियर हो गया? ये स्ट्रेस का रिलेशन समझ में आ गया है, ये कहाँ से आया है? फोर्स ओवर एरिया सर्कुलर है तो 5/4 d² आ जाएगा, और ये जो फोर्सेस है ये हमने इक्विलिब्रियम से निकाल ली, इंटरनल लोडिंग। तो इस तरीके से हमने इसको हैंडल कर ली। क्लियर है जी? Yes, sir. आगे करें के any question so far? Any question? No, sir. No question? If no question, then thank you very much.